नमस्कार, स्वागत है आप सभी बच्चों का परीक्षा प्रश्न के इस मंच पर। तो आज हम आपको पर्यायवाची बताएंगे। पर्यायवाची क्या होता है? पर्याय वाच और बड़ी ई उसमें प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थात किसी पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जो एक सूक्ष्म अंतर के साथ अपने मूल शब्द का अर्थ प्रदान करते हैं। यानी ऐसे शब्द जो किसी जो मूल शब्द, जैसे मान लिया कमल है, अब कमल का पंकज है, तो मूल शब्द कमल है, पंकज कमल नहीं होता है लेकिन कमल का अर्थ प्रदान करता है। तो पर्याय यानी उसी से जुड़ा हुआ, जो कमल कीचड़ में खिले वो पंकज हो गया, तालाब में खिले वो सरोज हो गया, नीले रंग का इंदिवर हो गया, ऐसे अलग अलग उनके रूप होते हैं। तो सूक्ष्म अंतर के साथ समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, पर्यायवाची भी कई प्रकार के होते हैं। पर्यायवाची शब्द रूढ़ भी होते हैं और मूल भी होते हैं। चलते हैं, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ जो शब्द है किसका पर्यायवाची है? विष्णु का, ब्रह्मा का, महेश का या गणेश का? इन चार में से वो कौन सा शब्द है जिसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है? जब भी कभी आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो इस प्रकार का श्लोक या मंत्र भी बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा जी के लिए हिरण्यगर्भ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका शब्द, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान रखिएगा, जिनकी अभी हाल फिलहाल परीक्षा होने वाली है, तमाम विद्यार्थियों से हमने संपर्क किया तो उन्होंने ये गलती अपनी बताई कि शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं को पढ़े ही नहीं। अब उनके समझ में आया शंकर का पर्यायवाची है, जब वास्तविकता ये थी शंकर का पर्यायवाची नहीं है, ऐसा पूछा गया था। ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन और शशधर। तो ललाट पश अक्ष, मस्तक पर आंख है जिनके, गंगा जो धारण किए हैं, तीन है जिनकी आंखें, ये सब शंकर जी की है। लेकिन एक शब्द आता शशधर। शशधर किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहा जाता है। शंकर जी को शशधर और चंद्रमा के लिए शशधर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका है, निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता, माता का पर्यायवाची नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, नहीं वाले प्रश्न परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि परीक्षा में प्रश्न को पूरा पढ़ें। इतनी जल्दबाजी नहीं है कि प्रश्न को ही पूरा ना पढ़ा जाए। अम्ब, अम्ब, अम्बा और जननी। तो जो अम्ब शब्द है वो जल का यानी पानी का पर्यायवाची है, ये माता का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला शब्द है, कौन सा शब्द घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बाज, तुरंग, शार्दुल और है। इन चार में से वो कौन सा शब्द है जो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो ये शार्दुल शब्द है, ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं। किसका है? ये शेर का पर्यायवाची, शार्दुल। अगला आता है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? नहीं शब्द नहीं है, कामदेव का पर्यायवाची बिडौजा, ये बिडौला होता है, पिशुन, मार, अस्म। तो कामदेव को कहते हैं मार। ध्यान रखिएगा बेटा, मार कामदेव का पर्यायवाची है, जो बिडौला शब्द है वो इंद्र का पर्यायवाची है, जो पिशुन शब्द है ये चुगलखोर का पर्यायवाची। किसका है? चुगलखोर। ये भी ध्यान रखिए, क्या पूछ दिया जाए। अस्म शब्द जो है वो पत्थर का पर्यायवाची है, और जो मार शब्द है वो कामदेव का पर्यायवाची है। अगला आता अधोलिखित में से एक पर्यायवाची शब्द युग्म, सही, सही है यानी कुछ गलत है कुछ सही है। पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, जलद, अम्बुद और फणी उरल। तो अधोलिखित में एक पर्यायवाची शब्द युग्म जो है वो सही नहीं है। नहीं पर विशेष बल देना है, तो पुरंदर अमरपति सही है, सरोवर पुष्कर सही है, फणी उरग ये शर्त के पर्यायवाची दोनों है, तो जलध और अम्बुद ये गलत है। तो ध्यान रखिएगा, ये शब्द आपका आ जाएगा, और ऐसे भी आप समझ लें, जलध, जलध माने होता समुद्र और अम्बुद माने होता बादल। ध्यान रखेंगे, जल के पर्यायवाची के आगे अगर धी लगा हो तो समुद्र,
और अगर जा लगा हो तो बादल, अगर जा लगा हो तो कमल का पर्याय देता है। ये इंद्र के हैं, ये तालाब के हैं और ये सर्प के पर्यायवाची हैं। अगला है भौरा। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा होगा? कुंज, अली, भ्रमर और खद्योत। अब देखो बेटा, परीक्षा में कहां पर बच्चे भ्रमित हो जाते हैं? कुंज तो कुंज गली होता है, खद्योत जुगनू को कहते हैं। खद्योत किसे कहते हैं? जुगनू को। जो रात में जुगनू चमकते हैं उन्हें खद्योत कहा जाता है। अब अल और भ्रमर ये दोनों ही भौरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन अल शब्द मुख्य रूप से भौरे के संदर्भ में नहीं आता है, इसलिए यहां पर आपका क्या सही रहा? भ्रमर। परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपको लगता है दो एक जैसे हैं या इसके दो विकल्प सही हैं, ऐसी स्थिति में आपको देखना पड़ता है कि उस शब्द का मूल पर्यायवाची कौन सा शब्द है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शब्द माता सरस्वती का पर्यायवाची नहीं? वाणी, बीड़ा पाणी, कमला और शारदा। तो कमला शब्द जो है वो किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का। कमला शब्द ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, से सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। विभु का पर्यायवाची शब्द क्या है? सर्वव्यापक या नित्य, ब्रह्मा आत्मा, महान या ईश्वर, चिरस्थाई या दृढ़। तो ध्यान रखिएगा, सर्वव्यापक और नित्य है, उसे विभु शब्द से संबोधित किया जाता है। अगला आपका है, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो बार बार मैं आपको इस पे बल दे रहा हूं कि प्रश्न को परीक्षा में पूरा जरूर पढ़ें, क्योंकि नहीं शब्द का प्रयोग प्रायः प्रश्न के अंत में किया जाता है। तो गंगा का पर्यायवाची नहीं है मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी और सुरसरिता। तो ध्यान रखिएगा, जो कालिंदी शब्द है किसका पर्यायवाची है? यमुना। भगवान श्री कृष्ण गाय कहां चराते थे? कालिंदी के तीर। महाकवि सूरदास ने क्या लिखा? ताते कालिंदी भई कारी। इस प्रकार कालिंदी शब्द यमुना का पर्यायवाची है। धूसर का पर्यायवाची शब्द होगा, यानी जो धूसर शब्द है वो किसका पर्यायवाची है? खनक, सदन, बेसर या गजबदन। तो जो खनक शब्द है वो चोर के लिए पर्यायवाची है, सदन घर का है, गजबदन गणेश जी का है और बेसर शब्द जो है वो धूसर, यानी ये दोनों का है कि पर्यायवाची गधे के। गधा के अन्य भी जैसे पर्यायवाची आता बैसाख नंदन, बहुत ही महत्वपूर्ण है बैसाख नंदन। चक्रीवान, चक्रीवान। एक खर शब्द भी आता है। इस प्रकार से धूसर और बेसर एक ही चीजें हैं। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? वायु, समीर, पवन या सलिल। बहुत सिंपल सा ये प्रश्न है। जो सलिल शब्द है वो जल का पर्यायवाची है, ना कि पवन का। अगला शब्द है अनाज। अनाज शब्द का पर्यायवाची शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए ऐसे प्रश्न को नोट कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आप उनको ना भूले। चाह, सस्य, सलिल, रूपा। तो जो चाह शब्द है वो इच्छा का पर्यायवाची है। कहते हैं तुम्हारी क्या चाह, क्या इच्छा है? सलिल जो शब्द है वो जल का पर्यायवाची है, रूपा शब्द जो है वो चांदी का, चांदी, सोना, चांदी, चांदी का पर्यायवाची है, और सस्य जो है वो आपका अनाज का पर्यायवाची है। इसलिए पृथ्वी के लिए शब्द आता सस्य श्यामला। पृथ्वी क्या है? सस्य श्यामला, धन धान से परिपूर्ण है। अगला आता, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं? अक्ष, नयन, द्रग और द्रगम। ये शब्द भी, ये जो प्रश्न है आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अक्ष, नयन, द्रग तो आंख के पर्यायवाची हैं, द्रगम्ब शब्द जो है वो आंख का पर्यायवाची नहीं है। कैसे समझ लीजिएगा? द्रग माने आंख और अम्ब माने जल। द्रग माने आंख होता है, अम्ब माने जल होता है। इस पूरे शब्द में दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। तो इसका जो अर्थ क्या निकलेगा? ये आंसू निकलेगा, आंसू,
आंख का पानी। इनमें से कौन सा शब्द अरुण का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान रखिएगा, लाल रंग की जो ज्वलंत चीजें होती हैं वो अरुण के समानार्थक शब्द में आती हैं। सूर्य को भी अरुण कहते हैं, सूर्य का साथी भी अरुण होता है, कुमकुम भी अरुण होता है, लेकिन जो बिंबा फल है वो अरुण नहीं होता, यानी बिंबा फल अरुण का अर्थ नहीं देता। निम्न में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, तोयज, घन, अभ्र। तो जो तोयज शब्द है ये किसका पर्यायवाची है? कमल का। किसका है? कमल का। तो बेटा क्या ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कई बार ये बातें बताई हैं कि पानी, पानी के आप पर्यायवाची लिखो। जैसे पानी के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? जल, वार, नीर, तोय, अप। ठीक है, अप होता है। अब इसके आगे अगर हम जा प्रत्यय का प्रयोग करें तो ये सभी किसके हो जाएंगे? कमल के। अगर इसके आगे हम दा प्रत्यय का प्रयोग करें तो सभी क्या हो जाएंगे? बादल के। अगर इसके आगे हम जो है ही शब्द का प्रयोग करेंगे तो सभी हो जाएंगे समुद्र के। किसे देखिएगा, जलज जलद जलज, वारिज वारिद वारिधि, नीरज नीरद नीरधि, तोयज तोयद तोयधि, अब्ज अब्द और अब्धि। तो जल को जल में जन्म लेने वाला, जल को देने वाला और जल को धारण करने वाला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची ने दोहिता, दोहित्र, तनया और सुता? इसमें से जो आपका दोहित्र शब्द है ये पुत्री का पुत्र यानी नाती। दोहित्र क्या होता है? पुत्री का पुत्र। यानी क्या हो जाएगा? सामान्य भाषा में कहेंगे नाती। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? सीति, भीति, भय और त्रास। तो सीति शब्द जो है वो डर के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। भीति यानी भय, भय तो आगे लिखा ही है, और त्रास माने भी होता है कष्ट, यानी डर के परिप्रेक्ष्य में आता है। इनमें से कौन सा शब्द चैत्र का समानार्थी शब्द नहीं है? युद्ध भूमि, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टिक कर लीजिएगा इसको। बौद्ध भिक्षु, यज्ञ भूमि और संबत का प्रथम मास। तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध भिक्षु जो है वो कहाँ रहते? चैत्र में, बिहार में रहते हैं। यज्ञ भूमि या यज्ञशाला उसको भी चैत्र कहते हैं। और हिंदी जो संबत है, सन संबत जो हिंदी वाला है, उसका पहला महीना भी चैत्र होता है। तो युद्ध भूमि इसके अर्थ में नहीं आएगा। अगला है चंदन। चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? मलयज, मंडन, सोम और मरीची। यानी चंदन का कौन सा शब्द अर्थ दे रहा है? तो ध्यान रखिएगा, मलयज, मलय चंदन का पर्यायवाची है। मंडन यानी छाना, खंडन मंडन वाला, बनाना किसी को, मंडन माने होता है बनाना, केला वाला बनाना नहीं। सोम जो है अमृत का पर्यायवाची है और मरीच जो है वो किरण का पर्यायवाची है। इस पर मरीच पर विशेष ध्यान रखिएगा, ये समसुत भिन्नार्थक शब्दों में आता है। जैसे शब्द आता है मरीच, फिर एक शब्द आता है मारीच, फिर एक शब्द आता है मरीची। अब देखो समसुत भिन्नार्थक शब्द, तो मरीच माने होता किरण, यानी मारीच एक राक्षस है, रावण का मामा, और मरीची जो होता है वो सूर्य का पर्यायवाची है। किरण सूर्य से प्राप्त होती हैं। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता। पत्ता, पंख, चिट्ठी या लेख, ये सभी पत्र हैं, लेकिन लेख है वो पत्र के संदर्भ में नहीं आता। खग का अर्थ नहीं है। वो कौन सा ऐसा शब्द है जो खग का अर्थ ना हो? ध्यान रखिएगा बेटा, खग दो शब्दों से बना है, ख प्लस ग। ख माने होता आकाश, हालांकि मुख्य रूप से इसको खे कहते हैं, खे। और ग माने होता गमन करना यानी चलना, जो आकाश में चलता हो, तारा, बाढ़,
पक्षी ये सभी आकाश में चलते हैं, लेकिन आकाश का पर्यायवाची खग नहीं होगा। जो आकाश में उड़े गगनचर वो सब खग के श्रेणी में आते हैं। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा, यानी पर्यायवाची नहीं होगा। संख्या, गोद, पृथ्वी, भाग, तो अंक संख्या भी होता है, गोद भी होता है, नाटक का एक भाग भी होता है, लेकिन पृथ्वी अंक नहीं होता। इनमें से कौन सा शब्द का अर्थ नहीं है? फल एक शब्द है, उसका अर्थ इसमें से कौन नहीं दे रहा? अनेकार्थी शब्द है पंख, संतान, परिमाण, परिणाम और लाभ। तो जब आम बोलचाल की भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, हिंदी एक भाषा है और ये भाषा हम उत्तर भारत के लोग हैं, तो यहाँ की इसको हम कह सकते हैं मातृभाषा भी है, स्थानीय भाषा भी है, राजभाषा भी है, हर प्रकार से इधर की ये भाषा है। तो पंख जो है वो फल नहीं होगा, बाकी संतान भी फल है, परिणाम कहते क्या मिला, और लाभ भी कहते फल प्राप्त होता है, यानी लाभ प्राप्त होता है। रम्य शब्द का अर्थ नहीं होता। तो रम्य होता है, जैसे रम्य शब्द किससे बना? रमणीक, सुंदर, अच्छा लगने वाला, राम सुंदर शक्तिशाली गुणवान, तो सुंदर चीज को रम्य कहते हैं। रम्य भवन, रम्य जगह, रम्य शहर, सुंदर वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रत्न, गर्भा, अचला, धरित्री, तमिश्रा, तो रसा का इसमें से पर्यायवाची नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो रसा शब्द है एक पृथ्वी का पर्यायवाची, यानी पर्यायवाची का पर्यायवाची पूछ रहा। रत्न, गर्भा पृथ्वी है, अचला पृथ्वी है, धरित्री भी पृथ्वी है, लेकिन तमिश्रा जो है ये रात का पर्यायवाची है, ये इसके अर्थ में नहीं जाएगा। किसका पर्यायवाची? रात का। अगला आता है, इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वीच, दुकूल, तरंग और हिलोर, तो जो दुकूल शब्द है, दुकूल वैसे कपड़ा का पर्यायवाची है और दुकूल दुपट्टा भी होता है, दुपट्टा को भी दुकूल कहते हैं। नभ के, महादेवी वर्मा लिखा है, नभ के नभ रंग बुनते दुकूल। युयुत्स का अर्थ क्या होगा? युद्ध में अमर होने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला और दूसरों को रुलाने वाला, तो युत्सा जो होती है, युयुत्स होता है, वो युद्ध की इच्छा होती है, तो युत्सा जो है वो युद्ध की इच्छा है, तो युद्ध की इच्छा के संदर्भ में अर्थ आ जाएगा। दरवाजा शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। गवाक्ष, कपाट, पट, फाटक, तो जो पट है वो कपड़ा का पर्यायवाची किसका है? कपड़ा का पर्यायवाची है। शेष सभी शब्द का है कि दरवाजे के पर्यायवाची हैं। और बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द आता है, मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? आहि, पुरंग, हाय, शार्दुल। ध्यान रखिएगा, ये शब्द बना कैसे? मृग प्लस इंद्र, और इसमें गुण संधि है। अब इसका अगर हम निकालेंगे, मृग माने होता जानवर, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम ने किससे पूछा? हे खग पक्षियों, हे मृग जानवरों और हे मधुकर श्रेणी पतंगों। तो ध्यान रखिएगा बेटा, मृग जानवर को ही कहते हैं और हिरण को भी मृग कहा जाता है, ठीक है? ये बात आप नोट कर सकते हैं कि मृग जानवर को ही कहते हैं और हिरण को भी मृग कहा जाता है। तो अब इंद्र माने क्या होता? राजा। तो जानवरों का राजा कौन होता है? मृगेंद्र, शेर। जानवरों का राजा शेर है और शेर का पर्यायवाची है शार्दुल। आहि, सर्प का पर्यायवाची है। कुरंग जो है हिरण का पर्यायवाची, और हय जो है घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रकार हमने महत्वपूर्ण पर्यायवाची पर चर्चा की है। कई बार परीक्षा में प्रश्न उसी तरीके का आ जाता है, और कई बार उनमें के कुछ
शब्द आपको प्राप्त हो जाते हैं, जिससे आपको सुविधा प्राप्त हो जाती है। तो इसके साथ ही इस क्लास को आज यहीं तक रोकते हैं, और आप इसे देखें समझें और आने वाले परीक्षा में इसमें से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।